बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स एंड फॉर इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फेल हाल जारी। फेल हाल जारी क्या होता है या आपके किस एक्शन को ज़ाहर करता है? फेल हाल जारी जो है ना, वो असल में मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा है ना, उस काम को ज़ाहर करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ ना अभी, ठीक है। ये एक्शन जो है वो मौजूदा वक्त में जारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना बना रही हूँ, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, ठीक है जी। अच्छा, उर्दू में आप इसकी पहचान जो है वो कैसे करेंगे? उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है या रहे हों वगैरह आता है, ठीक है। आप उर्दू में कैसे पहचान करेंगे? अगर उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हों वगैरह है ना, तो वो जुमला किसका है, किस टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, ठीक है। इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएंगे। सब्जेक्ट वही ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे या कोई नाम हो सकता है। फिर हेल्पिंग वर्ब होगा इज़, एम, आर होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद द एडिशन ऑफ आई एन जी आएगी। ये देखिए, ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ जब हमने आई एन जी लगा दिया तो वो प्लेइंग बन गया। इसको वर्ब की चौथी फॉर्म भी जो है वो बेटे कहा जाता है। अच्छा, इंग्लिश में आप कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सा जुमला है? अगर किसी सेंटेंस में इज़, एम, आर के साथ ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा हुआ आ जाए, तो वो क्या, कौन सा जुमला होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो है वो जुमला होगा, ठीक है जी। आगे हमारे पास सबसे पहले हैं ये पॉजिटिव सेंटेंसेस, मस्बत फिकरात। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि मस्बत फिकरात जो हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें हाँ का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें काम होता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। फिर हेल्पिंग वर्ब होंगे हमारे इज़, एम, आर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आई एन जी के साथ। फिर ऑब्जेक्ट होगा। फिर एंड में जो है वो फुल स्टॉप आप लगाएंगे। मस्बत फिकरात के एंड में जो है वो फुल स्टॉप आता है, ठीक है। ही, शी, इट किसके साथ होगा? इज़ के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। और आर किसके साथ इस्तेमाल होगा? प्लूरल जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं, वी, यू, दे के साथ। एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ। एग्जाम्पल्स हैं आगे, मिसालें हैं। आलिया खेल रही है, आलिया इज़ प्लेइंग, ठीक है। आलिया शी हो गया ना, शी, शी के साथ यहाँ पर क्या लगाना है हमने? इज़। ये देखें यहाँ पर है ना, मैंने बताया ना कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और इनके अलावा नाम भी हो सकता है। ये देखें नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आलिया है ना, तो हम इसके लिए शी यूज़ करेंगे। तो फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा? इज़। आलिया इज़ प्लेइंग, ये फर्स्ट फॉर्म है ना, इसके साथ हमने आई एन जी लगाया तो प्लेइंग बन गया, ठीक है। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, वो खाना पका रही है, शी इज़ कुकिंग फूड। माहीगीर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, माहीगीर फिशरमैन को कहते हैं, ठीक है। आर कैचिंग फिश, ये माहीगीर जो है ना वो प्लूरल है, वो ज़्यादा हैं, इसलिए हमने जो है वो आर लगाया। वैसे यहाँ पर अगर देखें प्लूरल है ना, तो यहाँ पर दे आना था अगर हम प्रोनाउन यूज़ करते, ठीक है, तो दे आना था। इस वजह से द फिशरमैन आर कैचिंग फिश। बूंदाबांदी हो रही है, इट इज़ ड्रिजलिंग, ठीक है जी। ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, ये हमारे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। मनफी फिकरात कौन से होते हैं? जिसमें नो का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें नहीं का कॉन्सेप्ट होता है, कि जिसमें काम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब हमारे होंगे। बिल्कुल स्ट्रक्चर उसका सारा पॉजिटिव की तरह है, सिर्फ इजाफा किसका होना है? नॉट का, क्योंकि नहीं का कॉन्सेप्ट है ना, तो नॉट होगा। सब्जेक्ट है, आगे हेल्पिंग वर्ब है इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विद द एडिशन ऑफ आई एन जी, एंड में जो है वो ऑब्जेक्ट है। इज़ नॉट किसके साथ लगना है? सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, ही, शी, इट के साथ इज़ नॉट लगेगा। आई के साथ एम नॉट लगेगा। वी, यू, दे के साथ जो है वो आर नॉट लगेगा। इसकी एग्जांपल्स हैं आगे, आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं, यू आर नॉट टेलिंग मी योर एड्रेस। वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली। हम फूल नहीं सूंघ रहे हैं, वी आर नॉट स्मेलिंग फ्लावर्स। मैं गन्ने का रस नहीं पी रही हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग शुगर कैन जूस।
वो जमात में नहीं ऊँग रहे हैं, दे आर नॉट डोजिंग इन द क्लास। अब देखिए यू है ना, यू है, वी है और दे है, इनके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया, आर, प्लूरल है ना ये, देखिए यहाँ पर मेंशन है आर नॉट, इसलिए मैंने ये सारे सब्जेक्ट डिफरेंट लगाए हैं। हर सब्जेक्ट को मैंने पूरा करने की कोशिश की है कि आपको पता चल जाए प्रैक्टिस में भी कि इस किसके साथ लगेगा, इज नॉट किसके साथ लगेगा, एम नॉट किसके साथ लगेगा और आर नॉट जो है वो किसके साथ लगेगा। आगे है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवाल या फिकरात, ये कौन से होते हैं जिसमें सवाल पूछा गया होता है, ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर देख लें, हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो सबसे पहले आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे, लेकिन जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना वो फिक्रे के शुरू में होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट से भी पहले होते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ वही आईएमजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एंड में जो है वो इंटरोगेशन साइन। अच्छा, हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस थे ना उनके एंड में हमने फुल स्टॉप लगाया दोनों के, लेकिन जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ना इनके एंड में जो है वो सवालिया निशान जो है वो आप उसका पुट करेंगे, ठीक है जी। आगे इसकी एग्जांपल्स देख लें, इस किसके साथ लगेगा, ही शी इट के साथ, एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ, आर किसके साथ यूज होगा, वी यू दे के साथ। इसकी एग्जांपल्स है, क्या चांद निकल रहा है, इज द मून राइजिंग, घंटी कौन बजा रहा है, हु इज रिंगिंग द बेल, औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं, वेयर आर द वेमन, वेयर आर वेमन वॉशिंग क्लोथ। अच्छा, एक और चीज़ बेटे, इन सवालिया फिकरात में एक सवाल जो सवालिया फिकरे दो तरह से शुरू होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक डब्ल्यू फैमिली से जो वर्ड बिलोंग करते हैं, कौन से, ये देखिए जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वेयर, वाई, हुम, हु, हाउ और हुम। जब ये जुमला, ये जब ये वर्ड्स आपके जुमले में आ जाए ना तो आपने इन वर्ड्स को ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना इनसे भी पहले लगाना है। जैसे ये देखिए एग्जांपल में, घंटी कौन बजा रहा है, कौन का क्या ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो होगा हु, ये देखा ना इज, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ गया ये, ठीक है, हु इज़ रिंगिंग द बेल। औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं, वेयर, कहाँ का क्या होगा, वेयर, वेयर ये देखिए आर हेल्पिंग वर्ब है, इससे भी पहले लग गया, ठीक है। अगर आपके पास डब्ल्यू फैमिली से बिलोंग करते वर्ड आ रहे हैं ना जुमले में, उर्दू जुमले में, तो आपने जब ट्रांसलेट करना है तो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आप लोगों ने डब्ल्यू फैमिली से बिलोंग करने वाले क्वेश्चन वर्ड को लिखना है। क्या बच्चा सो रहा है, इज द बेबी स्लीपिंग, मेहमान कब यहाँ पहुँच रहे हैं, वेन आर द गेस्ट अराइविंग हियर। ओके जी स्टूडेंट्स, आई होप बेटे आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बाकी आप छोटे छोटे जुमले बना के बेटे ख़ुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर हैं जितने भी इसको अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और फिर छोटे छोटे जुमले बना के अपनी आम जिंदगी से छोटे छोटे जुमले लेकर, जैसे मैं काम कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, इस तरह के छोटे छोटे से जुमले बना के ना उनको इंग्लिश में इन स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए ट्रांसलेट कीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप परफेक्ट जो है वो इन टेंस में, इस टेंस में हो जाएंगे। आई होप बेटे आपको आज का टेंस समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।